अब इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलेस पढ़े हम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. पॉइंट लॉग ऑफ 16 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 8 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने. log of 16 into square root of 8 to the base 2. I can write this as log of 16 into and root of 8 m into n to the base 2. This is first law of logarithms, log of m into n. Aur ek isse bar ho jata hai, this is log of m to the base a plus of log of n to the base a, and that is equal to log of 16 to the base 2 plus of log of square root 8, can be written as 8 raised to half divided by 2, and this can further written as 16 can be written as 2 raised to 4 to the base 2 plus of log of 8 can be written as 2 raised for 3 raised for 1 by 2 to the base 2. This will come log of 2 raised for 4 to the base 2 plus of log of power raised to power ho to multiplication rehti hai, 2 raised for 3 by 2 to the base 2. Ab dekhiye hamare paas ek aur law ban gaya, and this is third law, log of m raised for n. यहां भी यही चीज है, तो हमारा क्या होता है, जो पावर है वो पहले आ जाती है. तो दिस विल कम 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 एंड प्लस ऑफ 3 बाई 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2. अब ये जो 2 टू द बेस 2 है लॉग का, ये हमने पढ़ा दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस ऑफ 3 बाई 2 इंटू 1. तो दिस विल कम 4 प्लस ऑफ 3 बाई 2 एलसीएम 2, दैट इज 8 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 11 बाई 2. ये मैं कह रहा हूं कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज 2 रेस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 2. एक्सपेरेंसिस के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 के होता है. अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इट्स वैल्यू इज 1 के बराबर. तो ये निकाल दिया हमने log ऑफ दिस टू द बेस 2 इज इक्वल टू. इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड log of fourth root of 25 divided by 625 to the base 5. इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम. ये हमारे पास दिया हुआ है log of fourth root of 25 divided by 625 to the base 5. अब देखिए ये हमारा डिवीजन के रूप में, डिवाइड के रूप में, बटे के रूप में है, log m बटा n. तो ये बन गया आपका सेकेंड लॉ. और सेकेंड लॉ को कैसे लिखेंगे हम, लॉग एम माइनस लॉग एन, एंड बेस इज 5. तो इस तरह से लिखेंगे, ये बन गया लॉग ऑफ 25 रेज फॉर 1 बाई 4, फोर्थ रूट को इस तरह लिखेंगे, एंड माइनस ऑफ लॉग ऑफ 625 to the base 5 is equal to log of 25 can be written as 5 square raised power 1 by 4 to the base 5 minus of log of this is 5 raised for 4 to the base 5. And इसमें power raised to power तो multiplication हो जाएगी, this and this cancel. So that is equal to log of 5 raised to 1 by 2 to the base 5 minus of log of 5 raised to 4 to the base 5. अब एक और लॉ आ गया हमारे पास, पावर आ रही है इसमें ऊपर. तो दिस इज थर्ड लॉ, एंड दैट इज लॉग एम रेस्ट एन, एन लॉग एम 1 बाई 2 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 माइनस दिस 4 विल कम आउट, एंड दिस इज लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5. और ये सेम है दोनों,
जैसे ए था पिछले वाले में टू द टू बेस, तो इसकी वैल्यू इज 1, दैट इज 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 एंड दैट इज 1 बाई 2 माइनस ऑफ 4 एंड 2 एलसीएम दैट इज 1 माइनस ऑफ 8 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। ए इसका आंसर आ गया, दैट इज माइनस 7 बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, एक और लॉ इसका या फॉर्मूला, दैट इज बेस चेंज लॉ या बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज लॉ, अब हम बेस इसका चेंज करेंगे या इसको चेंज ऑफ बेस बोल देते हैं। अगर मान लिया हमारे पास इस तरह दिया हुआ है log ऑफ r टू द बेस b, log ऑफ r टू द बेस b, तो हम इसको लिखते हैं दैट इज इक्वल टू log ऑफ r डिवाइड बाय log ऑफ b। यहां पर बेस कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे मान लिया सपोज मैं इस केस में a ले लू, तो दोनों जगह वही लेंगे फिर log r टू द बेस है, log b टू द बेस a, या यहां कोई c भी ले सकते हैं That is log of r to the base c divided by log of b to the base c। या फिर क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या बेस लिया जाए कि वो क्वेश्चन इजिली हल हो सके। यहां पर आपका जो a और c जो हमने बेस लिए हुए हैं, a आपके ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए सपोज इसको प्रूव करें हम, लेट कैपिटल एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टू द बेस बी हमने ले लिया, तो इसको अब हम एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखेंगे, तो दिस इज बी रेज टू एन इज इक्वल टू आर के बराबर। टेकिंग लॉग टू द बेस ए बोथ साइड्स, यहां दोनों में, तो दिस विल कम लॉग ऑफ बी रेस्ट फॉर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टू द बेस ए। अब यहां देखिए फिर वही हमारा थर्ड लॉ बन रहा है, लॉग एम रेस्ट फॉर एन पावर के रूप में आ रहा, तो पावर पहले आ जाएगी, दिस इज एन इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टू द बेस ए। एन इज इक्वल टू, यहां इसको मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, लॉग ऑफ आर टू द बेस ए डिवाइड बाई लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। लेकिन एन क्या माना था हमने, एन इज दिस, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ आर टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टू द बेस ए डिवाइड बाई लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो यही प्रूव करना था हमने, इस तरह से बेस चेंज हो गया हमारे पास, एंड दिस इज दिस लॉग ऑफ आर टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टू द बेस ए डिवाइड लॉग ऑफ बी टू द बेस ए के बराबर। ए बेस चेंज फॉर्मूला हमारा।